नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। अनुमानों के विपरीत डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, डोनाल्ड ट्रंप की जीत का दुनिया पर क्या असर होगा? निश्चित तौर पर ये बहुत चौंकाने वाले परिणाम है, बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। ये पूरा जो प्रचार चला उसमें शुरुआत में तो डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन का उम्मीदवार ही नहीं माना जा रहा था। लोग ये मान रहे थे कि रिपब्लिकन पार्टी जो है उसको समझदारी दिखाना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप जैसे मस्खरे को उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। वहां से लेकर अभी तक जहां पर उनको कहीं मीडिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने आधिकारिक तौर पर नकार दिया था, हफिंग्टन पोस्ट जैसे महत्वपूर्ण मीडिया की वेबसाइट ने यह लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सारी खबरें हम अपने एंटरटेनमेंट के सेक्शन में छापेंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे वो, 20 तारीख को शपथ लेंगे, 20 जनवरी को। लेकिन ये बड़ा फैसला है, चौंकाने वाला फैसला है। पूरे मीडिया ने और राजनीति के पंडितों ने जिसे सिरे से खारिज किया, वो व्यक्ति आज अमेरिका का राष्ट्रपति बनने जा रहा है। और जो लाल रंग अमेरिका के नक्शे पर हमें हावी दिखाई दे रहा है, एक अरसे बाद हुआ है। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बराक ओबामा 8 साल तक कमान संभाले रहे, जिस तरह वो एक ऐतिहासिक घटना थी जब 8 साल पहले बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में प्रवेश किया था, पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। एक और महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ पर अमेरिका खड़ा था ठीक 8 साल बाद, जब अमेरिका को शायद 200 साल से ऊपर के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति मिल सकती थी। और ऐसा शायद पहली बार होता कि पति के राष्ट्रपति बनने के बाद पत्नी भी वहीं पर अमेरिका में राष्ट्रपति बनी, ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन इतिहास को ये शायद मंजूर नहीं था। लोकतंत्र के अपने कायदे होते हैं, लोकतंत्र में चौंकाने की जो ताकत है, भारत उससे बेहतर तरीके से वाकिफ है। हमारा देश है जहां पर मायावती अचानक भारी बहुमत से जीतकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो जाती हैं। भारत वो देश है जहां पर हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा अचानक भारत में प्रधानमंत्री बन जाते हैं। भारत ऐसा देश है जहां पर मधु दंडवती की जमानत जब्त हो जाती है लेकिन शहाबुद्दीन जेल में बैठकर चुनाव जीत जाते हैं। लोकतंत्र की इस उठापटक को भारत तो लंबे अरसे से देखता आया है, लेकिन आज अमेरिका ने उसका स्वाद चखा है, जहां पर अमेरिका का बुद्धिजीवी वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, समझदार लोग चौंक गए हैं, क्योंकि वो शुरू से मान रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप किसी कीमत पर अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। लेकिन जो असंभावित था, जो लग रहा था लोगों को कभी हो नहीं सकता, वो हो चुका। यदि भारत के संबंध में बात करें तो आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। माना यह जाता रहा है कि जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं वो लोग अमेरिका से के और भारत के बेहतर रिश्ते करने की कोशिश करेंगे। बराक ओबामा के खासतौर के अभी बाद के कुछ समय में और 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ गर्मजोशी आती हुई दिखाई दी थी, लेकिन ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं उसके बाद एक अनिश्चय की स्थिति है और वो हमें भारत से कैसे संबंध रखेंगे, इसकी कयास ठीक ठीक कोई लगा नहीं पाया। एक अच्छा महत्वपूर्ण कयास ये जरूर लगा कि वो खुद एक उद्योगपति हैं, रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है, उनके होटल हैं, कैसीनो चलाते हैं वो, और भारत में भी उन्होंने कुछ निवेश कर रखा है। तो एक राजनेता की खातिर नहीं तो उद्योगपति होने की खातिर ही वो भारत के प्रति बेहतर रुख रखेंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अमेरिका दरअसल एक व्यवस्था का नाम है। ये बात सही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने बहुत बयान दिए हैं इस तरह के जिन पर विवाद हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को इस देश से बाहर कर देना चाहिए, उन्होंने कहा है कि जो मीडिया मेरे खिलाफ लिखेगा उस मीडिया के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, वो डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं कि अमेरिका में एक अलग तरह का राष्ट्रवाद कायम हो, वो भारतीय जो वहां इतने सारे काम कर रहे हैं उनको लेकर और भारत से अपने रिश्तों को लेकर कैसा रुख अपनाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण इसमें समीकरण ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति पुतिन जो है रूस के, उनके बहुत करीबी हैं और रूस भारत का पुराना दोस्त है। और इस त्रिकोण को अगर बनते हुए हम देख सकते हैं अभी से, तो निश्चित तौर पर दुनिया का एक नया समीकरण उभरेगा, केवल भारत और अमेरिका का नहीं। अगर भारत, रूस और अमेरिका की दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद गहरी होती है तो इस त्रिकोण का निश्चित तौर पर दुनिया पर लंबा दूरगामी प्रभाव होगा। विश्व राजनीति के समीकरण बदलेंगे। अमेरिका और रूस अगर करीब आ जाते हैं तो एक संभावित विश्वयुद्ध की जो बात की जा रही है, न केवल वो खतरा टलेगा बल्कि दूसरे देशों में जो युद्ध चल रहे हैं या जो कुछ युद्ध चलाए जा रहे हैं जिसमें अमेरिका और रूस की नीतियों को लेकर मतभेद रहा है, बराक ओबामा और पुतिन हमेशा आमने सामने खड़े दिखाई देते रहे और ओबामा विश्व जनमत को भी पुतिन के खिलाफ खड़े करने में कामयाब रहे, G8 की मीटिंग में जो बड़ी घटना हुई वो सब याद रखते हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन में दोस्ती बढ़ती है तो वो सारे समीकरण बदल जाएंगे। और उसी के साथ अगर भारत इस दोस्ती में करीब आता है
तो निश्चित तौर पर दुनिया में एक नए तरीके का समीकरण लिखा जाएगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस्लामिक स्टेट जैसा आतंकवादी संगठन तबाह हो सकता है? यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो यह है कि जिस आर्थिक सुधार की राह पर अमेरिका को ले जाना चाहिए था, बराक ओबामा को, पूरी तरह से नहीं हुआ। उनके कई जो आर्थिक सुधार हैं, खासतौर पर जो इंश्योरेंस को लेकर, मेडिकल सेफ्टी को लेकर उनकी आलोचना हुई है, उन आर्थिक सुधारों को वो अमेरिका के भीतर किस तरीके से लागू करते हैं, ये एक बड़ी चुनौती। दूसरा, दुनिया में जो आतंकवाद है और खासतौर पर ISIS का जो आतंकवाद है, उससे डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से निपटते हैं, बहुत चुनौती होगी। ISIS के आतंकवाद से निपटने को लेकर खासतौर पर अमेरिका और रूस के बीच में और कुछ अन्य देशों के बीच में गहरे मतभेद रहे हैं। देखना यह भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप चीन से किस तरह के संबंध निभाते हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के संबंधों में भी लगातार खटास आती रही है, लेकिन उनके व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते चले गए हैं। व्यापार के क्षेत्र में जो निवेश है, जो चीन की लगातार दखलंदाजी बढ़ी है अमेरिकी व्यापार में, उसको देखते हुए नए तरह के समीकरण हो रहे थे, जहां पर राजनीतिक स्तर पर तो शीत युद्ध चल रहा था, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में समझदारी बढ़ रही थी और रूस और अमेरिका के संबंधों में खटास आ गई थी। तो ISIS से निपटने के लिए ये तीनों ही समीकरण, अमेरिका और रूस की दोस्ती, अमेरिका और चीन के संबंध, बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल ये चुनौती निभानी पड़ेगी कि अमेरिका को विश्व का चौधरी किस तरीके से बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में नस्लवाद को बढ़ावा मिलेगा? ये एक बहुत गंभीर खतरा है जो अमेरिका के ऊपर मंडरा रहा है। दरअसल अमेरिका की सबसे बड़ी जीत ही यह है कि वो अपने आप को एक समावेशी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता आया है। 9/11 के इतने बड़े आतंकवादी हमले के बाद भी नस्लवाद की जो आवाजें अमेरिका में उभरी हैं, उनको किसी तरीके से संयमित किया गया है, क्योंकि एक दौर रहा है जब मार्टिन लूथर किंग जैसे सुधारवादी को अमेरिका में जन्म लेना पड़ा और नस्ल भेद का और रंग भेद का एक काला अतीत रहा है अमेरिका का, और उस अतीत से उबरने में अमेरिका को वक्त लगा है। लेकिन आज भी अतीत की वो परछाइयां अमेरिका का पीछा नहीं छोड़ती। जब कभी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं कि अमेरिका के किसी पुलिस वाले ने किसी अश्वेत के खिलाफ कोई बर्बरतापूर्वक या पक्षपाती कार्रवाई की, और उसको लेकर पूरे अमेरिका में हो हल्ला मच जाता है। आज जो बयान उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान दिया था कि मुस्लिमों को अमेरिका में प्रवेश नहीं देंगे, देखना है कि क्या वो, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान कई बार राजनेता कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो कि बाद में उस पर कायम नहीं रहते हैं, और वो देश के हितों को देखते हुए उनको कुछ दूसरे तरह के बातों पर विचार करना पड़ता है। जैसे हम भारत में भी देखते हैं, चुनाव प्रचार में मोदी जी को लेकर ही बातें होती कि इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी प्रचार में, लेकिन उस पर कायम नहीं रहे, क्योंकि जब आदमी राष्ट्र का प्रमुख बन जाता है, पूरे राष्ट्र का उसको नेतृत्व करना होता है, राष्ट्र के विभिन्न जीतने के बाद, खासतौर पर जो भाषण डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, उन्होंने संकेत तो यही दिए हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव प्रचार के दौरान बहुत तीखी टिप्पणियां करते थे, कटाक्ष वाले बयान देते थे, हिलेरी क्लिंटन पर उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप लगाए, उन्हीं हिलेरी क्लिंटन को याद करते हुए उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार में कड़ी मेहनत की और अमेरिका के लिए जो हिलेरी क्लिंटन ने किया है उसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। तो लगता है कि उनमें परिवर्तन आना शुरू हो गया है, वो ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक बड़ी जवाबदारी मिल रही है और उसके लिए वो उस रूप को नहीं बनाए रह सकते जो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने रखा था। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।